flood and cyclone has been added a man-made tragedy of vast proportions. I am haunted by the tormented faces in our overcrowded refugee camps, reflecting the grim events which have compelled the exodus of these millions from East Bengal. I have come here looking for a deeper understanding of the situation in our part of the world, in search of some wise impulse which, as history tells us, has sometimes worked to save humanity from despair. कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। सुलेमान की खेमकरन, पुंछ और दूसरी जगहों पर गोली चलाई। आप सबको मालूम है कि पिछली मार्च से हम इस कोशिश में थे कि किसी न किसी तरह बांग्लादेश में शांति के रास्ते से वहां के प्रश्न सुलझाए जा सके और वहां की जनता पर जो अत्याचार हैं वो रुके, जिसमें शांति से वो लोग रह सकें और शांति से भारत की जनता भी रह सके और जो शरणार्थी हमारे देश में आए हैं वो वापस वहां पे जा सके। आस्ते आस्ते स्थिति बिगड़ती गई और बांग्लादेश के बहादुर जनता और मुक्ति वाहिनी ने एक लड़ाई लड़ी अपनी धरती के लिए और उन आदर्शों के लिए जिसके लिए हम भारत में भी पहले लड़े हैं और जो हमारे जीवन के बुनियाद हैं। अब ये बांग्लादेश पर जो पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। सब देशों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, सब लोगों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, अगर उनके मांगे ठीक मांगे हों। और हमें पूरा विश्वास है कि जब आजादी की आवाज उठती है, न्याय की आवाज उठती है, भाईचारे की आवाज उठती है, तो हमेशा उसी की विजय होती है। हजारों साल से हमने सहन शक्ति सीखी है और बहुत से दुख, बहुत से कठिनाइयां, बहुत से अत्याचारों को हमने सहन किया है, लेकिन उस सहन शक्ति के संग एक दूसरी शक्ति भी निकली है और वो है कि सहन करो जब तक होता है, लेकिन सीमा के बाहर जब चले तो दूसरी शक्ति से उसका मुकाबला भी करना होता है। हम समझते हैं कि केवल हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आज सारे दुनिया में जो दबे हैं, सारे दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा।
पाकिस्तान अगर आज कमजोर है तो मैं बहुत दावे से कहती हूँ कि वो देश जो उनको हथियार देते आए आज तक उन्होंने कमजोर करा है पाकिस्तान को, और अगर पाकिस्तान को हानि होगी तो उनको मैं दोष देती हूँ कि उन्होंने ये हानि की है। और आज जो हमसे जलते हैं क्योंकि इस किस्म की मदद हमने किसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि हम जानते थे कि हमारी आज़ादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती, और अगर आज़ादी पक्की होती है तो बिना किसी के मदद के हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे।